हेलो दोस्तों, रिया की दावत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज रेसिपी का नाम है मटर और मशरूम की सब्ज़ी, जो मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। बहुत झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मटर और मशरूम की सब्ज़ी। मैंने ये एक पैकेट मशरूम ले ली है, उसे देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये टुकड़ा इतना बड़ा बड़ा सब्ज़ी में, तो ये और सिकुड़ भी जाता है पकने के बाद में, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा बड़ा ही रखा है। 200 ग्राम ये मटर है, 200 ग्राम मटर है और 200 ग्राम का ही पैकेट रहता है मशरूम का। और ये दो बड़े बड़े टमाटर है, ये देखिए, और दो हरी मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है, और एक बड़े साइज़ का प्याज काट ली हूँ। देखिए मैंने इसका मसाला बनाई हूँ, वो थोड़ा सा लहसुन है देखिए, और ये अदरक है आधा इंच, धनिया है 1 टेबल स्पून, और बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून मैंने ये ली है जीरा, और 4 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी ग्राइंडर में, ये देखिए इसका पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है पहले से ही। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, ये सरसों का तेल में बनाऊंगी मैं, तो मैं सरसों का तेल डाल लेती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है तेल, 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये तेल। तेल गर्म हो गया है। ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, ये 2 लौंग है, ये देखिए 1 हरी इलायची, इसको मैंने इसको काट के बीच से फाड़ दिया है और इसको डाल दी हूँ, और 1/2 टीस्पून जीरा डाल ली हूँ, और 1 लाल मिर्च साबुत। अब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा, उसके बाद मैं ये प्याज डालूंगी। एक प्याज मैंने बड़ा सा काट लिया था, इसको डालूंगी। मैंने 2 हरी मिर्च काट के ले ली हूँ, इसको भी डाल देती हूँ इसमें। देखिए प्याज पकने लगा है, इसमें मैं मशरूम डाल देती हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करना है इस तेल में। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है तेल में फ्राई करने से। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको फ्राई करूँगी। देखिए मशरूम ब्राउन हो गया है बिल्कुल, बहुत अच्छे से ये भुन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मटर, जो मैंने मटर ली थी छीला हुआ, वो डाल दूँगी, बिल्कुल फ्रेश है मटर, और इसमें डाल के इसको भी फ्राई करनी है। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा ही करना है। ये टमाटर है, टमाटर को ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करना है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में रफली चॉप करके डालना है। ये देखिए ज़्यादा छोटे टुकड़े में नहीं काटना है। देखिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर भी, अब इसको फ्राई करनी है। टमाटर जब तक घुल न जाए, ये पक न जाए, तब तक इसको फ्राई करनी है। और टमाटर को पकने के लिए 1/2 टीस्पून में नमक डाल दूँगी अभी, और बाद में थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। इसको भूनना है इसी तरीके से, अभी ढकना नहीं है इसको, बस इसी तरीके से भूनना है टमाटर पकने तक। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। जब तेल में हल्दी भूनता है तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और देखिए ये टमाटर भी हमारा बिल्कुल गल गया है। अब ये जो मैंने मसाले बनाए थे ना, ये मसाले अब डाल दिए हैं उसमें। देखिए
और इसको भूनना है। इतना भूनना है जब तक इसमें से तेल छोड़ने ना लगे, तब तक इतना भूनना है जब तक इसमें से जब इसमें से तेल छोड़ने लगे तब तक भूनना है। ये देखिए मसाला भी भून गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें तरी हो जाएगा। इसके रस के लिए मैं पानी डाल देती हूँ। जैसा आप खाते हो उस तरह का तरी लगा लें इसमें। तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, पूरे दो कटोरी मैंने पानी डाल दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, जिससे टेस्ट इसका और भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, हरा धनिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक पकाना है ढक के। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसको ढक के इसको 5 मिनट के लिए पकने देना है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं नमक डालना थोड़ा सा भूल गई थी, थोड़ा और नमक डालना था, तो मैं थोड़ा सा और इसमें नमक डाल देती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा बटर है, मैं बटर डाल रही हूँ। इससे और भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार लगेगा खाने में। दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई करें, घर में बना के खाएं और इन्जॉय करें। मैं इसको बंद करती हूँ गैस का फ्लेम। ये देखिए मैं अब कटोरी में निकाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पे देखें और बनाएं और एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।